चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक स्विफ्ट कार में परिवहन किया जा रहा 108 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्जुन सिंह ने बताया कि सदर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाने के जाब्ते के साथ हाईवे रोड पुलिया पर बैरिकेड लगाकर नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान रिठोला चौराहे की तरफ से एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार आई, जिसमें बैठे दो व्यक्तियों ने नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन बैरिकेड्स लगे होने से पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कार में बैठे लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर कार की तलाशी ली गई तो कार की पिछली सीट व डिग्गी में काले रंग के साथ प्लास्टिक के कट्टे पड़े थे, जिनको चेक करने पर उनमें 108 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा भरा मिला, जिस पर पुलिस ने अवैध अफीम डोडा चूरा व कार को जब्त कर आरोपी कपासन निवासी 23 वर्षीय कमलेश गिरी गोस्वामी और जोशी मोहल्ला उदयपुर निवासी 28 वर्षीय नरेश जोशी को गिरफ्तार किया गया। नाकाबंदी के दौरान हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह शिवलाल, कांस्टेबल हेमव्रत सिंह सुरेंद्र पाल, भजन लाल, दीपक कुमार व मनोहर लाल मौजूद थे।